अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे पुश नोटिफिकेशन ऐप्स की। तो बेसिकली पुश नोटिफिकेशन ऐप वो होती है कि अक्सर आप स्टोर्स के ऊपर जाते हैं और वहाँ पे होता है कि नोटिफिकेशन ऑन कर लें, अलाउ कर दें। जब वो अलाउ कर देते हैं तो आपकी तरफ उनके नोटिफिकेशन आते रहते हैं, उनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, नई प्रोडक्ट्स के आपके मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर नोटिफिकेशन आते रहते हैं। तो वो आप अपने स्टोर के अंदर या अपने क्लाइंट के स्टोर के अंदर किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं, चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, इसके बारे में मज़ीद जानते हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो ये ऐप का नाम है पुश ऑल वेब पुश नोटिफिकेशंस। तो ये इसके बारे में मज़ीद जानने के लिए ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस नज़र आएगा हमें, ठीक है। यहाँ से आप डिफरेंट कैंपेन सेटअप कर सकते हैं, वेलकम नोटिफिकेशन और लेट्स से अबैंडन कार्ट रिकवरी। लेट्स सपोज एक कस्टमर आया आपके पास और उसने एक प्रोडक्ट जो है वो कार्ट के अंदर ऐड की और उसके अलावा पेमेंट नहीं की और स्टोर से चला गया। तो ये जो नोटिफिकेशन वाली ऐप है, ये ऑटोमेटिकली उसको नोटिफिकेशन भेज देगी हर दो दिन के बाद, जो भी आप सेटिंग करेंगे इसके अंदर कि आपने वो प्रोडक्ट ऐड की थी, आप उसको बाय कर लें, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, ताकि उस बंदे तक वो नोटिफिकेशन जाता रहे और वो एक नेक्स्ट दिन जाके उसको परचेज कर ले। तो इस तरह से यहाँ पे देखें, इस तरह से कुछ इसका इंटरफेस है। यहाँ पे देखें, ये ऑप्ट इन है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, इस तरह से नोटिफिकेशन आएगा कस्टमर के सामने, आपके कस्टमर के सामने जो आपका स्टोर पे आएगा, इस तरह से नोटिफिकेशन आएगा। अगर वो इसको अलाउ कर देगा तो फिर इस तरह से उसके पास नोटिफिकेशन जाते रहेंगे हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, नए ऑफर्स के और समथिंग लाइक दैट, जो भी हम भेजना चाहें। तो आई होप आपको ये ऐप पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।